ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से अपने समस्त विषय पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा छा यानी छठवीं क्लास का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। कक्षा छा के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ दो अभिमानी बुलबुल, पाठ दो अभिमानी बुलबुल। इस पाठ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा इसके पहले हम कर चुके हैं, थोड़ी बहुत कहानी आप सुन चुके हैं। शेष पैराग्राफ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ध्यान देंगे। यानी कहानी यहाँ तक आ चुकी थी कि एक अक्कड़बाज और घमंडी बुलबुल को लाइन पर लाने के लिए, समझाने के लिए, उसके घमंड का एहसास दिलाने के लिए बहुत सारे पक्षी आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। उसके आगे की कहानी आप सुनेंगे। सब बढ़ा चढ़ा कर अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे। कालू कौवा अब तक सबकी बातें सुन रहा था। वह भारी आवाज में बोला, ये मीठा बोलने वाली चिड़िया तो होती ही हैं, स्वार्थी और धोखेबाज भी होती हैं। यानी कालू कौवा, कौवे का नाम क्या है? कालू। और कौवा वैसे ही जब बोलता है तो उसकी आवाज़ कर्कश लगती है, बहुत अच्छी नहीं लगती लोगों को। वह बोलता है, बताता है, तभी कोयल को ही देखो, दुनिया ने उसकी मीठी तान तो सुनी है, पर कौन जानता है कि वह चालाकी से अपने अंडों की देखभाल हमसे करवाती है। हम असलियत समझें इससे पहले उसके बच्चे हमें चिढ़ाते हुए उड़ जाते हैं। मुझे चिड़ियों से सख्त नफरत है, सबकी बुराई से डरता हूँ। मेरा वश चलता तो पास नहीं फटकने देता उस बदतमीज बुलबुल को। कालू कौवा कहता है कि मुझे समस्त चिड़ियों से बहुत नफरत है, और बुलबुल के बारे में तो कहता है कि मेरा बस चले तो मैं उसे अपने पास ना फटकने दूं, पास ना आने दूं। अगले पैराग्राफ में, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब तो उसने घोंसला भी बना लिया है, शायद बच्चे भी हैं। पंडुक को लड़ाई झगड़े की बात से जरा डर लगता है। तो क्या हुआ? कालू शक्ति से बोला, जब वह हमारे पेड़ पर रहकर हमें आंखें दिखा सकती है तो हम उसे खदेड़ नहीं सकते क्या? कालू ने बहुत ही साहस भरी बात किया कि जब वह हमारे आंखें दिखा सकती है तो उसे हम अपने पेड़ से खदेड़ नहीं सकते हैं, भगा सकते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ बच्चों? कालू दादा ठीक कह रहे हैं, गुलाबी ने समर्थन किया। गुलाबी नाम की पक्षी ने, यानी कालू नाम के कौवे का समर्थन किया। बुलबुल तो बागों में रहने वाली चिड़िया है, हमारे घरेलू पेड़ों पर उसका क्या हक है? फिर रहे तो रहे पर अकड़ तो ना दिखाए। जो गुलाबी नाम की पक्षी है उसका समर्थन किया, उसने कहा, बुलबुल यदि हमारे घर के पेड़ पर रहना चाहता है, चाहती है तो रहे, लेकिन अकड़ ना दिखाए, घमंड ना दिखाए। अब देखिए, अजी रहे भी क्यों, छुटकी ने जोर देकर कहा, वह अपनी चोट और अपमान के लिए बुलबुल को माफ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बुलबुल को सबक सिखाना जरूरी है। सबने समर्थन किया, इतनी बार सबने समर्थन किया, सबने सपोर्ट किया। क्या? जिस समय यह प्रस्ताव पास हो रहा था, बुलबुल अपने घोंसले में बच्चों को दाना चुगा रही थी। जिस समय सब बातें चल रही थी, ये योजना तैयार हो रही थी बुलबुल को हटाने का, सबक सिखाने का, तो उस समय क्या हुआ कि बुलबुल अपने घोंसले में बच्चों को दाना चुगा रही थी। वह बारी बारी से तीनों की चोंच में दाना दे रही थी, पर उन्हें सब्र कहाँ था, गर्दन ताने चोंच फाड़े बार बार मांगे जा रहे थे। यानी जो बुलबुल के बच्चे हैं वो घोंसले में बैठे हैं और बार बार जो है उनसे दाने मांगे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनमें एक बच्चा ज़्यादा चुलबुला और भुक्कड़ था, यानी कि चंचल भी था, चुलबुल भी था, और उसको भूख भी जल्दी जल्दी सताती थी, भुक्कड़ था। क्या हुआ,
वह हर बार आगे चोंच बढ़ाकर माँ से दाना छीन लेता था। बच्चों में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल सीधे होते हैं जो तसल्ली करके बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हीं चोचार बच्चों में से कुछ बच्चे इतने चंचल होते हैं कि सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ चढ़ करके मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही उनमें से एक बच्चा था। अगले पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा। इसीलिए दोनों की तुलना में वह कुछ बड़ा और तंदुरुस्त दिखने लगा था, क्योंकि छीन छीन खाता था ना, तो तंदुरुस्त तो दिखेगा, हाँ वो सबसे शरीर में ज़्यादा रहेगा। यही नहीं, चुपचाप घोंसलों से निकलकर बाहर उड़ने के मंसूबे भी बनाने लगा था। घोंसला उसे छोटा व उबाऊ लगने लगा था। दोनों छोटे बच्चे कमज़ोर होने के बावजूद अपने भाई की नकल करके घोंसले से बाहर झांकने की कोशिश करते। वो जो है खाने पीने में आकर था, आगे था। इसके साथ साथ वो उस घोंसले से निकल करके, जो तंदुरुस्त बच्चा था वह घोंसले से निकल के बाहर जाना चाहता था कि इस घोंसले में, छोटे से घोंसले में हम कैसे रहें, हमें ऊब लग रही है, यहाँ हम बोरियत महसूस कर रहे हैं, मुझे तो बाहर निकलकर दुनिया का आनंद लेना चाहिए, आसमान की हवाओं में चलना चाहिए। ये वो मोटा बच्चा जो तंदुरुस्त बच्चा था सोच रहा था। आगे देखिए, और उसकी नकल उसके अन्य भाई भी करते थे, अन्य उसके साथ रहने वाले बच्चे भी करते थे। उनके पंख अभी उग ही रहे थे, ये उन्हें ही फड़फड़ा कर शौक पूरा करने लगे थे। वे माँ के लाग समझाने पर भी कुछ ना कुछ बोलते रहते। माँ आसमान कितना बड़ा है, माँ बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, बताओ ना माँ हमारे पंख कब बड़े होंगे, हमें जल्दी से उड़ना है दूर तक, माँ हमें खुद कब दाना और कीड़े मकोड़े चुगने दोगी, यही बैठे बैठे खाते उब गए हैं माँ। ये बच्चे जो है आपस में कल्पना कर रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि ऐसा कार्य हम कब कर पाएंगे, हम कब उड़ पाएंगे, कब अपने से दाना चुग पाएंगे, ये अपने माँ से बच्चे पूछ रहे हैं। अभी कुछ समय और इंतजार करो मेरे बच्चों, बुलबुल अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें सुनकर फूली नहीं समाती। बच्चों से बोलते समय उसकी बोली बेहद मीठी लगती। तुम बहुत जल्दी उड़ना भी और दुनिया भी देखना, कुछ दिन मेरे साथ भी तो गुजार लो मेरे बच्चों, ये चिड़िया ने कहा, बुलबुल ने कहा। बच्चों की बातें सुनकर बुलबुल खुश होती तो होगी, पर साथ ही कई आशंकाओं से भी घिर जाती। 15 दिन तक तो किसी को हवा तक नहीं लगती थी कि नींबू के झुरमुट में एक नहीं तीन तीन अंडों की देखभाल हो रही है। लेकिन अब अंडे तो थे ही नहीं जिन्हें दबाए रखती, आंखें भी नहीं खुली थी कि शैतान बच्चों की ची ची चू चू शुरू हो गई पूरे जोर से, और हुआ वही जिसका डर था। कितनी ही चिड़िया नींबू के पेड़ के आसपास चक्कर काटने लगी और किसी न किसी बहाने से बातें करने लगी। क्या कह रही हो बहन, नन्ही गौरैया आ जाती, क्या तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं, बड़ा शोर मचा हुआ है। उस बुलबुल के पास जो भी गौरैया या जो भी पक्षी आते थे सब उससे हाल पता जब पूछते थे तो वो खुद ही सवाल करती थी, ये शोर क्यों है, क्या आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, इतना चहल पहल क्यों है, क्या आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगला पैराग्राफ अगले दिन आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। आपसे मन लगा कर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।